तिरुवनंतपुरम में भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम वनडे मुकाबले में जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने की इरादे से उतरेगा। 5 मैचों की सीरीज में अभी भारत 2-1 से आगे है। सीरीज का दूसरा मुकाबला टाई रहा था। मुंबई में खेले गए सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मुंबई में रोहित शर्मा और रायडू ने शतक लगाया था, लेकिन कप्तान विराट कोहली की सबसे बड़ी चिंता शिखर धवन और महेंद्र सिंह धोनी के रन न बनाने को लेकर है। अंतिम मुकाबले में भी यदि धवन का बल्ला खामोश रहा तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर किया जा सकता है। दूसरी ओर जेसन होल्डर की कप्तानी वाली विंडीज की टीम मैच में वापसी की कोशिश कर सकती है। यदि विंडीज इस मैच को जीतती है तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। विराट मैदान पर उतरते हैं तो कोई न कोई रिकॉर्ड जरूर बनता है, और यदि वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम वनडे में विराट कोहली ने टॉस जीता तो वह एक नया अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। वह 5 वनडे मैचों में सीरीज के सभी 5 टॉस जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन जाएंगे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जब टीम इंडिया इंग्लैंड टूर पर थी और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में विराट कोहली ने एक भी टॉस नहीं जीता था तो कहा गया था कि अगर सिक्के के दोनों तरफ हेड्स हो तो ही हम टॉस जीत सकते हैं। उस दौरान इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीते थे। शिखर धवन की 11 साल बाद दिल्ली में वापसी हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण में धवन दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले धवन ने आखिरी बार दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए आईपीएल के पहले संस्करण 2008 में खेला था, जिसके बाद वह मुंबई में कुछ वर्ष खेले और फिर हैदराबाद से जुड़ गए। धवन हैदराबाद के शीर्ष रन स्कोरर हैं और 91 मैचों में 35.03 के औसत से 2768 रन बना चुके हैं। आईपीएल 2018 में उन्होंने 497 रन बनाए थे। धवन के लिए दिल्ली ने विजय शंकर, नदीम और अभिषेक को रिलीज किया है। 5 बार की विश्व चैंपियन तथा ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम को दिल्ली में 15 से 24 नवंबर तक होने वाली आईबा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मैरीकॉम ने अपने लिए इसे एक गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि मैं मुक्केबाजी संघ का धन्यवाद करना चाहती हूं जिसने मुझे ब्रांड एम्बेसडर चुना है। मेरे लिए एक बड़ा सवाल है। हम इस समय काफी मजबूत हैं और विश्व चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करने तथा देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने को तैयार हैं। भारत ने 2006 में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया था और तब उसने 4 स्वर्ण पदक जीतकर टीम चैंपियनशिप अपने नाम की थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।